हिंदू मुसलमान का नारा धीरे धीरे इनका समाप्त हो रहा है, तब देश के व्यापारियों को ये डैमेज करना चाहते हैं। और जरा शहनवाज हुसैन में इतनी हिम्मत है तो जरा भाईचारा की बात करके दिखा दे तो, कि देश में हिंदू और मुसलमान एक है, बोलेंगे क्या? उनको क्यों दर्द हो रहा है जब हम कह रहे हैं कि देश में भाईचारा होना चाहिए? हमने कब कहा कि देश में दंगा होना चाहिए? जंगल राज के सूत्रधार कौन हैं, वो सर्टिफिकेट उनसे हम लोग लेंगे क्या? और उनके जहन में हमेशा गरीबी का मतलब जंगल राज हुआ है। बिहार सरकार में मंत्री जो हैं कृषि विभाग से कुमार सर्वजीत हमारे साथ बातचीत करने के लिए, RBI का जो बड़ा फैसला आया है 2000 के नोट का सर्कुलेशन को बंद, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैंने तो कहा है कि नोटबंदी से ना देश के गरीब किसान को कोई नुकसान होना है, ना मजदूर को नुकसान होना है। नुकसान किनको होना है? देश के व्यापारियों को। नोटबंदी से उभरे, पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए थे कि फिर एक दूसरी नोटबंदी हो गई, तो नुकसान तो देश के व्यापारियों को है। हिंदू मुसलमान का नारा धीरे धीरे इनका समाप्त हो रहा है, तब देश के व्यापारियों को ये डैमेज करना चाहते हैं। तो बेहतर इसका जवाब मुझे लगता है कि देश के उन व्यापारियों से पूछना चाहिए जो शहर में रह करके व्यापार करते हैं। कि भ्रष्टाचार जो है फिर से ख़त्म होगा इस फैसले के बाद, और बहुत सारा, और BJP के एक वरिष्ठ नेता हैं शहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार के लोग इसलिए बेचैनी में क्योंकि वो लोग जो है 2000 नोट का बक्सा भर के रखे हुए हैं। शहनवाज भाई को तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और शहनवाज भाई से इस तरह की भाषा अच्छी भी नहीं लगती है। वो तो विद्वान प्रवक्ता हैं और वो बेचारे खुल के बोल नहीं पाते हैं, चूँकि जानते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम अगर बहुत ज़्यादा तोता के तरह नहीं पढ़ेंगे तो हमको भी पार्टी से भगाएगा। और जरा शहनवाज हुसैन में इतनी हिम्मत है तो जरा भाईचारा की बात करके दिखा दे तो, कि देश में हिंदू और मुसलमान एक है, बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो पटिए से निकाल जाएंगे, बोल के तो देखें, नहीं बोल सकते हैं। वो जेब में से 2000 का नोट निकाल के कह रहे थे कि मेरे पास एक ही नोट है। हो सकता है, बहुत बधाई हो उनको कि एक ही नोट है उनके पास, लेकिन नोट 2000 में ये व्यापार जो है, जो बड़े बड़े व्यापारी उनके पास होता है ना, देश का कोई गरीब किसान के पास है? अगर गरीब किसान के पास 2000 का नोट होता तो दिल्ली में अपनी 1000 भाइयों को खोते वो क्या? किसान मरे ना सड़क पे? देश आज़ादी के बाद पहली बार अगर कोई किसान सड़क पे मरा है तो इनके राज्य में मरा है। उनके पास 2000 का नोट होता तो मरते सड़क पे। तो व्यापारी जो हैं, हिंदू मुसलमान की इनकी रचना समाप्त हो गई, अब जो हैं ये व्यापारियों को डैमेज करना चाहते हैं। एक सवाल है मंत्री जी, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी मुहिम को लेकर अन्य राज्यों में दौरा कर रहे हैं और साथ में तेजस्वी यादव भी दिखते हैं। भाजपा की तरफ से विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जंगल राज के सूत्रधार के साथ घूम रहे हैं, चाय नाश्ता पानी करते हैं, कुछ उनसे विपक्ष एकजुट होगा नहीं? मुझे तो बड़ी हंसी आती है आप जो कह रहे हैं उनकी बात को सुन के। यह देश का निर्माण भाईचारा के लिए हुआ है, देश की तरक्की के लिए हुआ है, कोई धर्म के लिए नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका धर्म है इस देश में। और देखिए देश की खूबसूरती, हर 5 किलोमीटर पे भाषाएं और धर्म बदल जाती है, बदल जाती है, नहीं बदल जाती है। और जब जब देश पे खतरा उत्पन्न होगा तो इसी ज़मीन से कोई ना कोई एक बेटा ऐसा पैदा लेता है जो देश को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उनको क्यों दर्द हो रहा है जब हम कह रहे हैं कि देश में भाईचारा होना चाहिए? हमने कब कहा कि देश में दंगा होना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा किसी स्टेट में जाके कि देश में दंगा होना चाहिए, किसी देश से मुसलमान को भगाना चाहिए, ऐसा बोला है क्या? हम अगर भाईचारा स्थापित करने के लिए देश में घूम रहे हैं तो उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या नहीं कि जंगल राज के सूत्रधार के साथ घूम रहे हैं? जंगल राज के सूत्रधार कौन हैं, वो सर्टिफिकेट उनसे हम लोग लेंगे क्या? और उनके जहन में हमेशा गरीबी का मतलब जंगल राज हुआ है, उनके मन में हमेशा दलितों के नाम पे जंगल राज हुआ है। जब कोई देश में दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब जब भाईचारा स्थापित करते हैं तो उनका जो है संज्ञान जंगल राज में आता है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए। बिहार को बार बार जंगल राज कह करके बदनाम करते हैं, और देखिए कितने विद्वान हैं वो विपक्ष के नेता कि सदन में दिखा रहे थे कितने गर्व से एक वीडियो कि बिहारियों को मारा गया, देख रहे थे ना, सब लोगों ने देखा था, क्या मिला उनको?
तो उनकी जितनी झूठी सच्ची बातें हैं छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो उन लोग बोलते ही रहते हैं, बोलने दीजिए। लेकिन हमारा धर्म है देश को बचाना, देश में अमन चैन, बिहार की तरक्की। हमको अगर इसके लिए कोई भी कुर्बानियाँ देना होगा देश में, तो हम देने के लिए तैयार हैं। हर हालत में देश में अमन चैन होगा और बिहार तरक्की करेगा। जिनको जो बोलना है बोलते रहें। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया। और जिस तरीके से RBI का जो फैसला है, उन्होंने कहा कि ये तो बिहार के और पूरे देश के व्यापारियों से आप जाके पूछें क्या हालात है, फिर से एक बार जो है देश नीचे जा रहा है। और जिस तरीके से विपक्षी मुहिम को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है घूम रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो लोग बेचैनी में हैं और जो भी है पूरे भाईचारे की लड़ाई हो रही है और देश में एक विकल्प चाहिए, उसके लिए नीतीश कुमार जो है लगातार प्रयासरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।